हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम आपको ले चल रहे हैं अपने परिवार के साथ में थो नदी के किनारे। इसका चाइनीज़ नाम है थोजांग और हमारे शहर में चार नदियां हैं, उनमें से थोजांग नदी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एक नदी है यांगजे रिवर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नदी है पूरे चाइना के लिए और वर्ल्ड के लिए। तो यहां पर नदी किनारे आते ही बहते पानी की आवाज़ ने मन को शांति दी और जैसे ही हम नदी किनारे पहुंचे बच्चों के चेहरों पर खुशी की लहर दौड़ गई और वो बहुत ही जल्दी से पानी के साथ खेलने में मग्न हो गए। फ्रेंड्स, यहाँ पर खास बात ये रही कि यहाँ पर घूमने आए स्थानीय लोगों और बच्चों से हमें बातचीत करने का अवसर मिला और उनके दोस्ताना व्यवहार ने हमारे दिलों को छू लिया, बहुत ही अपनापन महसूस करवाया। फ्रेंड्स, हम लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइनीज़ लोग घुल मिल जाते हैं और बहुत प्यार से बात करते हैं। बच्चे शुरू में थोड़ा शाय होते हैं पर फिर बहुत अच्छे से बातें करते हैं और इन्वॉल्व होते हैं, और अगर चाइनीज़ लैंग्वेज आती है तो उसके बाद तो बातें करना बहुत ही आसान हो जाता है और काफ़ी सुकून भरा होता है। थो नदी सचमुच प्राकृतिक सौंदर्य का खजाना है और यहाँ पर हमने अपनी फैमिली के साथ बहुत ही अच्छा समय बिताया, बहुत सारी मेमोरीज बनाई। नदी किनारे बैठकर बहते हुए पानी को देखना, बच्चों की खुशियों में शामिल होना एक अद्भुत अनुभव था। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वाला व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा और आगे इस व्लॉग में बहुत सारी अच्छी चीज़ें होने वाली है जिसको देखकर आपको खुशी होगी, तो प्लीज़ इस व्लॉग को कंटिन्यू करिएगा। फ्रेंड्स, अभी हम नदी किनारे गए थे, कुछ फ़ोटो वोटो खींचे, कुछ इन्जॉय किया थोड़ी देर और अब आ गए हैं वेजिटेबल मार्केट में। और यहाँ का मार्केट देख के और ताज़ी ताज़ी सब्जियाँ देख के मेरी इच्छा हो गई कि मैं थोड़ा सा शूट करूँ। तो ये है वेजिटेबल मार्केट और ये है यहाँ की सब्जियाँ, आप देख सकते हो कद्दू है, पेठा है और भी कई तरह की मूली है, पत्ता गोभी, टमाटर, अदरक, लहसुन, प्याज, सारी सब्जियाँ मिलती हैं यहाँ पे और बहुत ज़्यादा मिलती है। ये है और मुझे खरीदना है कुछ सब्जी। हमें ये तो सारी उत्साह गांधी ने मुझे मिल गया लगा। फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की खास बात ये भी है कि मैंने आज इंडियन ड्रेस सलवार कुर्ता पहना है और उसको पहन के मैं बाहर निकली हूँ तो मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले। और फिर मैं यहाँ सब्ज़ी ख़रीदने आई तो मैं जैसे ही सब्ज़ी ख़रीदने आई, मैं जनरली यहीं से सब्ज़ी ख़रीदती हूँ और ये जो बेबे हैं ये मुझे जानती हैं, तो जैसे ही उन्होंने मुझे देखा और सलवार कुर्ता देखा तो उन्होंने बहुत ही प्यार से बोला कि ये जो ड्रेस है वो बहुत सुंदर लग रहा है और तुम भी बहुत सुंदर लग रहे हो। तो ये सब जो एक्सचेंज होता है बातों का, खुशियों का, ये बहुत सुकून और बहुत ही अच्छा लगता है। ये ले ली मैंने सब्जी, ये सब्जी ये फार्म फ्रेश सेब है, फार्म फ्रेश। फ्रेंड्स, ये मैंने वेजिटेबल
वेजिटेबल्स खरीद ली है जो बिल्कुल फार्म फ्रेश है, एकदम फ्रेश सब्जियां खरीदी है। और ये सामने हुईथोंग हाउशी हुईथोंग सुपर मार्केट है, यहाँ से अब मैं घर की कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदूँगी, दूध वगैरह और डिटर्जेंट वगैरह। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं सुपर मार्केट। सब्जियां पहले गाड़ी में रख देते हैं, उसके बाद फिर चलते हैं। ठीक है रखो। सुपरमार्केट में आने के बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, दूध वगैरह भी मुझे ख़रीदना था और भी काफ़ी ड्राई फ्रूट्स यहाँ मिलते हैं और ड्राइड वेजिटेबल्स भी मिलती हैं, तो ये सब देख के बहुत अच्छा लगा और यही सब मैं एक्सप्लोर करती रही। फिर जो चीज़ें मुझे ख़रीदनी थी वो मैंने अपने ट्रॉली बैग में डाल ली। सुपरमार्केट में इस तरीके से एक्सप्लोर करते करते फिर मैं आगे की तरफ गई और मैं ब्रेड वगैरह ख़रीदने लगी। यह ब्रेड का स्टॉल है और काफ़ी सारी ब्रेड थी यहाँ पे, पीछे की तरफ चॉकलेट्स थी, चिक्की थी, सब कुछ मैंने लिया बच्चों के लिए क्योंकि वीकेंड है। और उसके बाद मैं आगे की तरफ मैं राइस ख़रीदने लग गई, घर में राइस भी ख़त्म हो गए थे तो सोचा चलिए राइस भी अब ले लेते हैं। और उसके बाद मैं फिर आगे और मैं गई, वहाँ पर मैदा वगैरह मुझे लेना था क्योंकि हमारा प्लान था कि हम वीकेंड पर कुछ मटर वगैरह बनाएंगे। तो ये है फ्रेंड्स ऑल पर्पस फ्लोर जो कि चाइना में इजीली अवेलेबल है, तो फिर मैंने ये भी ले लिया और वीकेंड की प्लानिंग करने लगी। और उसके बाद दूध वगैरह भी मुझे ख़रीदना था। और ये जो इस तरफ हम जा रहे हैं यहाँ पे सोया सॉस वगैरह रखा हुआ है, कई सारी तरीके की कोल्ड ड्रिंक भी हैं, तेल वगैरह भी रखा हुआ है, तेल के भी बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। तो ये सब देखते देखते फिर मुझे लगा कि चलिए अब आगे की तरफ चलते हैं। यहाँ पर डेयरी प्रोडक्ट की तरफ मैं आई और कई सारा दूध वगैरह मुझे ख़रीदना था क्योंकि दूध के डब्बे कई दिनों तक ख़राब नहीं होते हैं। इसके साथ ही साथ मैंने क्रीम वगैरह ख़रीदा, बटर ख़रीदा और मुझे योगर्ट वगैरह भी ख़रीदना था, तो ये सब ख़रीदा मैंने। और प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे लगते हैं, मेरी फैमिली में मेरे बच्चों को सब पसंद है। तो यही फ्रेंड्स वीकेंड की प्लानिंग चलती रही दिमाग में और मैं चीज़ें सोच सोच के ख़रीदती रही। फिर ट्रॉली लेके हम बिलिंग सेक्शन की तरफ आ गए और यहाँ पर मैं बिलिंग वगैरह करवाने लगी। कई सारा सामान हो गया था, टिशू वगैरह, तो बस अब ये बिल करके फिर हम लोग घर की तरफ जाएंगे। तो फ्रेंड्स कर लिए शॉपिंग, घर का जो भी ज़रूरी ग्रोसरी का सामान है वो खरीद लिया है और अब जाएंगे घर। ओके फ्रेंड्स हमारे चैनल को देखते रहिए। फ्रेंड्स पूड़ियाँ बन रही है गरम गरम और आलू की सब्जी बन गई है सूखी वाली, डॉक्टर साहब को बहुत पसंद है, बाजार से आए फटाफट और गरम गरम पूड़ियाँ तल ली है। आइए फ्रेंड्स आप भी खाइए गर्मा गर्म पूड़ियाँ। और ये है आलू की सब्जी और साथ में मैंने बनाया है मट्ठा, मट्ठा भी दिखाती हूँ। ये है हमारा मट्ठा, आलू की सब्जी, पूरी और थोड़ा सा मट्ठा। फ्रेंड्स ये था हमारा शनिवार का दिन, घर पे आके हमने खाना वगैरह बनाया और काफ़ी इन्जॉय किया, सलवार सूट चैलेंज भी किया जो सबको बहुत पसंद आया, नदी किनारे गए। तो ये व्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। ओके फ्रेंड्स बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके फ्रेंड्स बाय बाय।